जालौन कालपी सिरसा कलार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मड़ैया में आग लगने से दर्जन भर घर जलकर राख हो गए। एक अमित यादव की रिपोर्ट। कलार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मड़ैया में आग लगने से दर्जन भर घर जलकर राख हो गए। अग्निकांड में लाखों रुपए की क्षति का अनुमान है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। थाना क्षेत्र दर्जन घर जलकर स्वाहा हो गए। दोपहर में हुए अग्निकांड के समय अधिकांश ग्रामीण मजदूर मजदूरी करने खेतों पर गए थे। घर में महिलाओं एवं बच्चे ही थे। आग लगते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीण आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। घर की सारी संपत्ति आग की भेंट चढ़ गई। घरों में रखा नकदी, कपड़ा, बिस्तर, चारपाई, रजाई, गद्दा, बर्तन, जेवर, अनाज सहित सारा सामान राख हो गया। क्या नाम है आपका? नरेंद्र राजपूत। क्या घटना हुई नरेंद्र? आग लगने से कारण गांव जल गया। अच्छा, ठीक है। प्रधान कह रहे साथ 17 नल लगे, 3 नल नहीं है गांव में, ठीक 10 बाल्टी पानी निकल रहा हो। आग कायम बुझा ले, किसान बताओ मैं तो। अच्छा, तालाब की क्या है? तालाब भरा है कि नहीं भरा? तालाब में बूंदा पानी नहीं है। ब्लाक से पैसा मिलता है, प्रधान खा जाता है। तो नल ने बिल्कुल पानी नहीं दिया? बिल्कुल 10 बाल्टी पानी निकलो। हम तो घर पे नहीं थे, 10 कुंटल लाई चीज रखी, बसानी राख हो गई है। पानी नल देता तो कुछ उपाय था, उसमें नहीं था। बताओ आप, फायर ब्रिगेड कितनी देर बाद आई वो गाड़ी? हाँ, गाड़ी 2.5 घंटे बाद आई। क्या घटना हुई, कैसी आग लगी? यहाँ किसी घूमे में आग लगी हुई, उससे चिंगारी उठ के घर में आग लग गई है, तो उसमें लोगों को नुकसान हुआ। कितने घर जले हैं अभी? अभी हम लोग रिपोर्ट करते हैं कि 8 लोगों के घरों में गृहस्थी की हुई है, और भी देख रहे जो भी देवी आपदा के अंदर उनको अनुसार सहायता दी। कुछ जानवर का भी नुकसान हुआ है? दो जानवर वो है, 3 पड़ियाँ बता रहे हैं, भैंस के बच्चे। एक किसी घर में शादी भी थी, उसमें सर उसमें भी आग लगी, उसमें कितना नुकसान है? चल रही है उसका देख रहे हैं, उसका कितना नुकसान हुआ बताया। फायर स्टेशन देर में खबर करी गई, फायर स्टेशन की देर की गाड़ी आई। गांव वालों का कहना है कि जब आग मतलब विकराल रूप ले चुकी, जब तक गाड़ी नहीं आई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार एक्चुअली दूरी है, तो गाड़ी जैसे सूचना मिली उनको आई है गाड़ी, और इंस्पेक्टर साहब पहले ही से आ गए थे, तो वो कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर साहब खुद ही मोर्चा संभाल के। ओके, थैंक यू।